Assalamu alaikum guys, this is Danyal with you with another lecture of Danyal's education portal. Guys, today we will discuss the depreciation ke dono methods, which are reducing balance method or second hai hamare paas straight line method. And then charging policies with respect to time, we will check when we charge depreciation. So in that, we have two policies used with respect to time. One is full year policy and second is proportionate basis. और हम दो क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे पैरेलल जिससे आपको कंपैरिजन भी मिल जाएगा और आपको प्रॉपर जो है कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो मिल जाएगी सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डेप्रिसिएशन को मिलाकर. ठीक है गाइस, सो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को. लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी जो भी वीडियो है आप उसे फौरन देख सकें. सो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर को. अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में देखें तो एक लिंक अवेलेबल है और उसके अंदर भी मैंने लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ डेप्रिसिएशन जिसका हेडिंग यही है. लेकिन उसके अंदर क्या है, उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं किया हुआ है. मैंने एक थोड़ा सा इंट्रो दिया हुआ है लेकिन मैंने उस वीडियो के अंदर डेप्रिसिएशन क्या होती है बेसिकली वो मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. तो अगर आपको कोई डाउट्स हैं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड तो आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपको प्रॉपर जो है क्लियर हो जाएगा कि डेप्रिसिएशन एक्चुअली है क्या. और उसके बाद मैं इन तीनों चीज़ों को हमारे जो है मेथड्स हैं और जो फुल जो हमारी पॉलिसीज हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम और डेप्रिसिएशन क्या है, मैं इन तीनों का ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एक बार फिर से. तो हमारे पास अगर हम सबसे पहले बात करें कि डेप्रिसिएशन है क्या, तो डेप्रिसिएशन वो अमाउंट है जो आपकी गाड़ी लूज कर रही होती है एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, एक स्पेसिफिक टाइप के एक टाइम के अंदर, ड्यू टू वेयर एंड टेयर, ड्यू टू यूज या ड्यू टू ऑब्सोलेंस. जो आपकी गाड़ी या कोई भी एक जो एसेट है आपका जो वैल्यू यूज कर रहा लूज कर रहा होता है उस जो लूज वैल्यू होती है उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है. अब इसमें एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि जब बात आती है कि भैया चार्ज किसके ऊपर होती है, डेप्रिसिएशन चार्ज किसके ऊपर होती है, तो हमारे पास दो टाइप के एसेट्स हैं, एक है करंट एसेट्स और एक है हमारे पास नॉन करंट एसेट्स. करंट एसेट्स की जो वैल्यू है वो विद इन अ ईयर की होती है, उनका जो बेसिकली बेनिफिट है वो विद इन अ ईयर रिवॉल्व करता है. और जब हम नॉन करंट एसेट्स की बात करते हैं तो वो मोर देन अ ईयर पर बेनिफिट्स दे रहे होते हैं. तो हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होते हैं वो नॉन करंट एसेट्स पर कर रहे होते हैं. नॉन करंट एसेट्स कैसे, जैसे कि आपका बाइक हो गया, आपकी गाड़ी हो गई और जो है आपकी कोई मशीन हो गई, जैसे नॉर्मली कंपनीज परचेज कर रही होती हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए या असेंबलिंग के लिए, तो ये सब चीज़ें उसमें फॉल कर रही होंगी. अच्छा जी, तो अब हम थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड ले लेते हैं. स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या है. अगर आप देखें तो मैंने दोनों के फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं. स्ट्रेट लाइन मेथड का ये फार्मूला है और हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का ये फार्मूला है. बेसिकली अगर आप बात करें कि भाई हमें कैसे पता है कि कौन सा मेथड यूज करना है, तो आपको जो है क्वेश्चन में बताया गया होगा, इंडिकेट किया गया होगा तरीके से, एक तरीके से. और वो जब आप इन क्वेश्चंस के कंपैरिजन जब हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि यार ये जो क्वेश्चन है ये किस चीज का है, ये रिड्यूसिंग बैलेंस का है और ये जो है ये स्ट्रेट लाइन मेथड का है. तो आपको बेसिकली वर्डिंग ऑफ क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनर जो है वो हमसे कौन सा मेथड डिमांड कर रहा है. ऑन बेसिक नोट्स जो आपके बेसिक बिल्कुल बेसिक जब आप पढ़ रहे होते हैं अकाउंटिंग, अगर आप बीबीए वगैरह के भी स्टूडेंट हैं या आप बीकॉम के हैं, तो यही दो मेनली जो है वो आपकी जो है एग्जामिन हो रही होती हैं. तो और इसमें जो है आपके स्ट्रेट लाइन मेथड इजी है, स्ट्रेट लाइन मेथड को समझना इतना मुश्किल नहीं है जब हम कंपेयर करते हैं उसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के साथ. तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल तो कहते हैं ना कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ ये होता है कि आपका इंटरेस्ट कितना है उस चीज़ में. ठीक है जी, तो अब आपको ये बता देता हूँ कि स्ट्रेट लाइन मेथड के मैं फॉर्मूला से ही बेसिकली आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ दोनों को. अब डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है एक साल के लिए, तो जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड में बात कर रहे होंगे कि स्ट्रेट लाइन मेथड में किस तरह डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही होगी, तो हमारे पास क्या है फॉर्मूला, किस तरह है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ द एसेट. अब कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या है, अच्छा अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कॉस्ट ऑफ द एसेट के अंदर क्या गेम होती है.
कॉस्ट ऑफ द एसेट में क्या होता है कि आपका जब एग्जामिनर आपको कोई क्वेश्चन देता है तो लाजमी नहीं है वहां पे लिखा है ये लिखे कि कॉस्ट ऑफ द एसेट इज दिस एंड दैट। वो ये भी लिख सकते हैं कि जैसे अली परचेज्ड अ कार, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कार इज रुपीज 10 मिलियन। तो क्या हुआ, उसने कहीं ये नहीं बताया कि भाई अली ने कितने पे ली, लेकिन उसने ये बताया कि कार की फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है। अच्छा, फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है, इस कॉन्सेप्ट को भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फेयर मार्केट वैल्यू उस वैल्यू को कहा जाता है जो कि इस वक्त प्रिवेल कर रही होती है आपके किसी भी एसेट की, या कोई भी चीज़ जो आप परचेज कर रहे हैं, कोई भी जो आपका मटीरियल है, नॉन मटीरियल, जिसे जो भी चीज़ है, जो उसकी करंट रेट है, करंट प्रिवेलिंग रेट या प्रेजेंट रेट, उसको फेयर मार्केट वैल्यू कहा जाता है। अच्छा जी, तो वो ये भी कह सकते हैं, जैसे मैंने आपको फेयर मार्केट वैल्यू की एग्जांपल दी, तो वो इस तरह भी कह सकते हैं, और इस तरह भी कह सकते हैं अली परचेज्ड अ व्हीकल फॉर रुपीज 10 मिलियन। और इसमें एक और तरीके से क्वेश्चन बना सकता है, अली परचेज्ड अ कार, कॉस्ट ऑफ द कार इज रुपीज 10 मिलियन। तो मतलब ये मैंने आपको थोड़ी सी डाइवर्सिटी दे रहा था कि इस तरह क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है जी। तो इसमें आपने थोड़ा सा ना अटेंटिव रहना है, मतलब आपने ये कंफ्यूज नहीं हो जाना कि वहां पे ये नहीं कहा हुआ कि अली ने इतने में परचेज किया, तो वो इनडायरेक्टली भी बता सकता है। तो आपने थोड़ा सा इसके ऊपर आपने जो है क्वेश्चन के अंदर आपने इस चीज के ऊपर ग्रिप रखनी है अपनी। अच्छा, तो हमारी पहली चीज हो गई कॉस्ट ऑफ द एसेट, सेकेंड है हमारे पास लेस करनी है आपने डिस्पोजल वैल्यू। अच्छा भाई, डिस्पोजल वैल्यू क्या होती है, डिस्पोजल वैल्यू वो अमाउंट होती है कि जब आपकी कोई भी गाड़ी, जब उसकी एक लाइफ खत्म हो जाएगी, या कोई भी एक एसेट, कोई भी एक बाइक, खैर पाकिस्तान में तो एडीज़ की गाड़ियां भी चल रही होती हैं, तो अगर मतलब फॉरेन में, जैसे मैं जापान की एग्जांपल दे देते हैं, जापान में आई गेस 5 ईयर्स है, 5 ईयर्स का उनका पीरियड है कि आपने 5 साल बाद, बेशक आपने 5 साल में आपने रखी हुई है गाड़ी, आपने निकाली नहीं है घर से, लेकिन अगर वो रजिस्ट्रेशन के बाद जो है आपका पीरियड होता है टोटल 5 ईयर्स का, 5 ईयर्स के बाद वो कार डिस्पोज ऑफ हो जाती है, उसको स्क्रैप कर देते हैं वो बिल्कुल। तो हम इसको यहाँ पर यही वैल्यू ले लेंगे कि भाई जब एक गाड़ी का टाइम, एक गाड़ी की यूजफुल लाइफ, यहाँ पर क्या मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, यूजफुल लाइफ, ये इस चीज आप वर्डिंग्स पर गौर रखिएगा क्योंकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने और फॉर्मूला रिटेन करने में आसानी देंगी, ठीक है जी। तो यहां पर वो क्या कह रहे हैं, डिस्पोजल वैल्यू। अब ये डिस्पोजल वैल्यू वो वैल्यू है जब किसी एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म होती है, जब यूजफुल लाइफ खत्म होती है और उस एसेट को बेचा जाता है, उस एसेट को डिस्पोज किया जाता है, तो उससे जो अमाउंट मिलती है उस अमाउंट को कहा जाता है डिस्पोजल वैल्यू। ये भी आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी, अगर नहीं दी हुई तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, इस ये आप थोड़ा सा गौर करिएगा। अगर आपको डिस्पोजल वैल्यू नहीं दी हुई तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप सिर्फ लेस, यहां पर लेस करना है डिस्पोजल वैल्यू को, अगर कोई वैल्यू नहीं दी हुई तो आपने लेस जीरो कर दें बस। और नीचे हमारे पास हम उससे डिवाइड किससे कर रहे होंगे, हमारे कॉस्ट ऑफ द एसेट लेस डिस्पोजल वैल्यू को किससे डिवाइड कर रहे होंगे, हम एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ से हम डिवाइड कर रहे होंगे। अच्छा जी, ये हमारी हो गई स्ट्रेट लाइन मेथड की एक्सप्लेनेशन। अब हम आ जाते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की एक्सप्लेनेशन की तरफ। उसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज इक्वल्स टू कैरिंग अमाउंट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर इनटू गिवन परसेंटेज। ये इस तरह है कि मैंने ड्यू टू स्पेस कम था यहाँ पर, तो मैंने इस वजह से यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के साइन लगाकर और नीचे लिख दिया है, ये बेसिकली इसके आगे आएगा, मैं आपको समझाना चाहूंगा कहीं आप ये कंफ्यूज ना हो जाए कि यार ये एक्स क्यू लगा हुआ है, ठीक है जी। तो ये मल्टीप्लीकेशन साइन है, कैरिंग अमाउंट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर इनटू गिवन परसेंटेज। अच्छा भाई, अब ये कैरिंग अमाउंट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर की क्या गेम है, ये गेम आपको फॉर्मूला से समझ में नहीं आएगी, ये जब तक आप क्वेश्चन एक अटेम्प्ट होगा, जब हम क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट करेंगे तो फिर आपको ये चीज क्लियर होगी। तो के बेसिकली आपकी कैरिंग अमाउंट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर क्या है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस वैल्यू को रिटन डाउन वैल्यू भी कहा जाता है, WDV में यहां पर लिख भी देता हूं साथ, इस वैल्यू को WDV भी कहा जाता है। अच्छा, सो गाइस ये हमारे पास
ये हमारे पास दोनों स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग मैलस मेथड की सिंपल एक्सप्लेनेशन हो गई। अब हमारे पास ये जो मैंने ऊपर हेडिंग लगाई हुई है ये बेसिकली है हमारी चार्जिंग पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि भाई जब हम चार्ज कर रहे होते हैं डेप्रिसिएशन, इसके अंदर भी दो चीजें होती हैं, एक होता है फुल ईयर पॉलिसी, सेकेंड है हमारे पास प्रोपोर्शनेट बेसिस। नॉर्मली यहाँ आप इसको कह लेंगे, मोस्टली भी आप कह सकते हैं। मोस्टली क्या होता है, मोस्टली ये होता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ आपकी फुल ईयर पॉलिसी दी हुई होती है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के साथ आपकी प्रोपोर्शनेट बेसिस पॉलिसी दी हुई होती है। अच्छा, तो फुल ईयर पॉलिसी क्या होती है और प्रोपोर्शनेट पॉलिसी क्या होती है? फुल ईयर पॉलिसी का मतलब ये होता है कि जिस साल आपने एसेट लिया, फॉर सपोज आप जो अकाउंटिंग करते हैं, आप करते हैं 1 January to 31 December, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या हो गया, ये पीरियड हो गया अकाउंटिंग पीरियड, ये पूरा जो हम एक साल का जो हम पूरी अकाउंटिंग करते हैं, ये हमारा स्टार्टिंग टाइम क्या है 1 January और एंडिंग क्या है 31 December। अभी हम कौन सी पॉलिसी डिस्कस कर रहे हैं, फुल ईयर पॉलिसी। अब क्या हो रहा है, आपने एक एसेट परचेज किया है, फॉर सपोज आपने एसेट परचेज किया है ऑन 31 December, आपने कब परचेज किया 31 December, मतलब आखिरी दिन है साल का। फुल ईयर पॉलिसी में क्या होता है कि आपने अगर बिल्कुल एंड में भी परचेज किया है, आखिरी दिन है आपका अकाउंटिंग पीरियड का, लेकिन आप क्या करते हैं, जिस साल आपने परचेज किया है एसेट उस साल आप पूरे ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, फुल ईयर पॉलिसी में बेशक आप जो है लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग पीरियड आप कोई एसेट परचेज कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपने कोई एसेट परचेज किया 31 December पर, तो लास्ट डे है अकाउंटिंग पीरियड का, अगर कोई अकाउंटिंग पीरियड लेकर चल रहा है 1 January से लेकर 31 December तक, तो वो बिल्कुल लास्ट डे है अकाउंटिंग पीरियड का, लेकिन क्या होगा, वो पूरे साल की डेप्रिसिएशन उसके ऊपर चार्ज होगी। और फॉर सपोज आपने 31 December 2013 में आपने वो एसेट परचेज किया है और आप 2014 ठीक एक साल बाद 31 December को आप जो है वही एसेट डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, आपने क्या किया है, आपने 31 December 2013 को परचेज किया और एज पर फुल ईयर पॉलिसी आपने उस साल पूरी डेप्रिसिएशन, पूरे साल की डेप्रिसिएशन आपने चार्ज कर दी, और अगले साल आप 31 December को क्या कर रहे हैं, आप उसे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, ठीक है जी, आप उसे बेच रहे हैं, आप उसे सेल आउट कर रहे हैं, आपने पूरा साल यूज किया, आप आखिरी दिन पर सेल कर रहे हैं, लेकिन एज पर फुल ईयर पॉलिसी जिस साल आप एक एसेट डिस्पोज कर रहे होते हैं उस साल आप कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जिस साल आपने एसेट परचेज किया है, बेशक वो अकाउंटिंग पीरियड का आखिरी दिन है, आप क्या करेंगे, आप उस साल पूरे साल की आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और सेकेंड हमारे पास क्या है कि जब आप एक एसेट डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, एक एसेट को सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या होगा, तब क्या होगा हमारे पास, तब ये होगा बेशक आप लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग पीरियड को ट्रांसफर कर रहे हैं, पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं होगी, मतलब डेप्रिसिएशन ही चार्ज नहीं होगी उस साल उस एसेट की। तो ये सिंपल आपकी एक्सप्लेनेशन है किसकी, फुल ईयर पॉलिसी की। अब हम मूव आउट कर जाते हैं प्रोपोर्शनेट बेसिस के। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, फॉर सपोज आपने एक एसेट परचेज किया है 1 December को, आपने एक एसेट 1 December को परचेज किया है और जो है आपका अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है 31 December को, सो बेसिकली आपने कितने टाइम के लिए यूज किया, आपने एक मंथ के लिए वो एसेट ऑन किया और उसे यूज किया, तो प्रोपोर्शनेट बेसिस ये कहता है कि जितना टाइम आपने यूज किया है, जितना भी टाइम आपने यूज किया है, आप उतने टाइम की ही डेप्रिसिएशन चार्ज करें, आप ना ज्यादा करें ना कम करें, ठीक है जी। अब जैसे इसमें बेसिकली डेप्रिसिएशन का जो मैं ऊपर भी थोड़ा कॉन्सेप्ट बता रहा था, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जब वो यूज होगा तभी उसकी वैल्यू गिरेगी,
जब वो यूज होगा उसकी वैल्यू गिरेगी, एक ऑप्शनल से भी गिरती है, लेकिन लाजमी बात है जैसे कहा जाता है कि अगर एक मैं आपको नॉर्मल रूटीन लाइफ की एग्जांपल दे देता हूँ कार से रिलेटेड, कि भाई अगर एक कोई गाड़ी है उसके सारे पार्ट्स जेन्युइन है, बेशक वो 2-3 साल पुरानी भी हो और वो कम यूज हुई भी हो, तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है उस गाड़ी से जो बहुत ज्यादा यूज हुई हो, सेम टाइम पर ली गई हो लेकिन वो ज्यादा यूज हुई हो, उसके पार्ट्स भी जेन्युइन ना हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा यूज हुई है तो उसके पार्ट्स चेंज हो चुके हैं, तो उसकी वैल्यू जो होगी कम होगी, जो ज्यादा यूज हुई गाड़ी है उससे जो गाड़ी बहुत कम यूज हुई है अभी तक जेन्युइन पार्ट्स हैं, बेशक उसको जो है टाइम ज्यादा हो गया है, लेकिन जब हम उन्हें कंपेयर कर रहे होंगे तो क्या होगा, जो गाड़ी कम यूज हुई है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहाँ पर बेसिकली वो यही कह रहा है कि यार जितना आपने यूज किया है ना आप उतनी डेप्रिसिएशन चार्ज करो। तो हमने अगर 1 दिसंबर को कोई एसेट परचेज किया है और 31 दिसंबर में हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, सिर्फ एक मंथ हमने यूज किया तो हम सिर्फ एक मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 1/12। और हमारे पास इसमें इसी तरह डिस्पोजल के ऊपर भी यही जाएगा, ट्रांसफर के ऊपर भी यही जाएगा, उसे क्या कहते हैं स्क्रैप अगर कोई एसेट हो रहा है तो उसके ऊपर भी यही जाएगा कि भाई अगर जो है आपने कोई एसेट लिया है, आपने कोई एसेट लिया है परचेज किया, जैसा कि हमने एग्जांपल दी कि 1 दिसंबर को परचेज किया, 1 दिसंबर 2014 को वो परचेज किया आपने, और आपने क्या किया, आपने 30 जून को आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया, 30 जून को आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया और 30 दिसंबर 2014 को आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया, सॉरी 15, क्योंकि मैंने 1 दिसंबर को हमने परचेज किया, 1 दिसंबर 2014 को परचेज किया और हमने क्या किया, हमने 30 जून 2015 को हमने उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया, ठीक है जी। अब हमने उसे 30 जून 2015 को डिस्पोज ऑफ किया तो बेसिकली हमारे अकाउंटिंग पीरियड के हमने 6 मंथ्स उसको यूज किया है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है गाइज, ये इन सब की एक्सप्लेनेशन है। अब हम मूव करेंगे हमारे क्वेश्चंस की तरफ जिससे आप लोगों को चीजें और क्लियर होंगी, क्योंकि बेसिकली डेप्रिसिएशन एक ऐसा टॉपिक है और ये चार्जिंग पॉलिसीज जो हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आप तब ही ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं जब आप उन्हें क्वेश्चंस उनके क्वेश्चंस को देखते हैं पैरेलल में। सो गाइस स्टार्ट करेंगे हम स्ट्रेट लाइन मेथड से। हम स्ट्रेट लाइन मेथड में जो मैं पॉलिसी डिस्कस कर रहा हूँ वो पॉलिसी होगी फुल ईयर पॉलिसी, इसमें मैं डिस्कस करूंगा फुल ईयर पॉलिसी। अच्छा तो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। अली बॉट अ कार हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू / कॉस्ट ऑफ ₹3 million, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ कार इज 10 years, हैविंग रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹0.5 million। और उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट है वो पॉइंट हम इसके बाद डिस्कस करेंगे, पहले हम सिंपली जो है ना हम ये देख लेते हैं कि अब इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन किस तरह होगी। अब हम देखेंगे कि हमने एक एसेट परचेज कर लिया है कार, कार हमने परचेज कर ली, कार परचेज करने के बाद अब हम जो है ना फर्स्ट ईयर ये हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या है कॉस्ट ऑफ द एसेट, कॉस्ट ऑफ द एसेट क्या है हमारे पास 3 million, और हमारे पास एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द कार इज 10 years और रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू ऑफ ₹0.5 million। तो हमारे पास डिवाइड बाय 10, तो अगर हम देखें अगर हम 3 million से 0.5 लेस कर देते तो हमारे पास 2.5 million बच जाता है, और जब हम इसको टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास बेसिकली अमाउंट आ जाती है 2,50,000 रुपीज।
अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाता है सेकंड ईयर। एज पर फॉर्मूला ही हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे, 3 मिलियन माइनस 0.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 3rd year में हम क्या कर रहे हैं, 3 मिलियन माइनस 0.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 3rd year। अच्छा देखें, जब मैंने आपको पहले यही बात एक्सप्लेन की है कि जब फुल ईयर पॉलिसी की बात होती है तो फुल ईयर पॉलिसी में हम क्या करते हैं कि जिस ईयर परचेज किया है बेशक हमने आखिरी दिन पर किया है अकाउंटिंग पीरियड के, हम क्या करेंगे, हम पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इसलिए मैंने टाइमिंग नहीं लिखी हुई, बेशक आखिरी दिन पे हमने लिए, हमने क्या करना है, पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। फुल ईयर पॉलिसी, इसमें हम कौन सी यूज कर रहे हैं, फुल ईयर पॉलिसी। और जिस ईयर डिस्पोज ऑफ करेंगे उस दिन हम क्या करेंगे, उस पीरियड में क्या करेंगे, उस अकाउंटिंग पीरियड में क्या करेंगे, हम कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं, जो मैंने एक पॉइंट छोड़ा था क्वेश्चन में से, वो था ही डिस्पोजेस ऑफ द व्हीकल एट स्टार्ट ऑफ 4th year एंड रिसीव्स 2.5 मिलियन। अच्छा भाई, अब इसमें डेप्रिसिएशन कोई चार्ज नहीं होगी। अब मैं यहां पर लिख भी देता हूं, अच्छा अब हो रहा है डिस्पोजल। अब मैं बेसिकली यहां पर एक डिस्पोजल की एंट्री भी दिखाना चाह रहा था कि अगर आप कर रहे हैं डिस्पोजल तो आपको पता चल जाए कि भाई किस तरह, ये बेसिकली ये तो बहुत इजी है जब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन और जो है फुल ईयर पॉलिसी के साथ, तो ये बहुत इजी है। लेकिन बेसिकली मैं दोनों का कंपैरिजन देना चाह रहा हूं, तो इससे मैं पूरी कैलकुलेशन करूंगा। डिस्पोजल में हम क्या कर लेंगे, हम देख लेंगे प्रॉफिट या लॉस, बेसिकली हम देख लेते हैं कि हो क्या रहा है, फिर हम पहले लिख देते हैं प्रॉफिट या लॉस, दोनों लिख देंगे तो शायद आप कंफ्यूज ही हो जाए। अच्छा सो गाइस, हमारे पास कॉस्ट कितनी थी, 3 मिलियन। इसमें से हमने डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज कर दी थी, अगर हम देखें 250 250 250, तो हमारे पास ये टोटल कितना हो जाता है, 6 लाख। 1 मिनट, ये हमारे पास हो जाता है 750। अब 3 मिलियन में से जब हम 750 लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.25। अब आपके पास गेन कितना आ गया है, गेन आ गया आपके पास 2.25 मिलियन का। अच्छा ये तो हमारा हो गया सिंपल सा जो है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड का क्वेश्चन। अब हम मूव करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की तरफ। अब ये याद रखिएगा कि हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में कौन सी पॉलिसी यूज की, हमने फुल ईयर पॉलिसी यूज की है, और अब हम जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में करेंगे वो हम करेंगे प्रोपोर्शनेट। अच्छा तो ये हमारा होगा प्रोपोर्शनेट बेसिस। अब इसके अंदर हम पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास कैरिंग अमाउंट या WDV भी जिसे कहते हैं एट स्टार्ट ऑफ द ईयर इनटू गिवन परसेंटेज।
गिवन परसेंटेज कौन सी होती है, ये बेसिकली डेप्रिसिएशन की परसेंटेज दी हुई होती है, साथ साथ कंपैरिजन भी मैं करता जाऊंगा। यहाँ पर एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ दी हुई होती है, यहाँ पर एक डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ होता है जिसे यहाँ पर गिवन परसेंटेज का नाम भी मैंने दिया हुआ है। वो क्या होता है बेसिकली, वो डेप्रिसिएशन परसेंटेज होती है जो आप चार्ज कर रहे होते हैं पूरे साल की, डेप्रिसिएशन रेट बेसिकली। अच्छा, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, उस्मान हैज परचेज अ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ वर्थ रुपीज 10 million, 20% इज द डेप्रिसिएशन चार्ज पर ईयर, परचेज ऑन 1st January 2013, he disposed plant and machinery on 30th June 2016 for rupees 6 million. अच्छा जी, तो हमने परचेज कब किया है, हमारे जो है उस्मान साहब कब परचेज कर रहे हैं, वो परचेज कर रहे हैं 1st January 2013 को वो परचेज कर रहे हैं, और वो डिस्पोज ऑफ कब कर रहे हैं, वो डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं 30th June 2016 को। सो बेसिकली 3 years के लिए उन्होंने ऑन किया है, 4 years, फोर्थ ईयर हमारे पास हाफ आ रहा है, तो 3 years के लिए बेसिकली 3 years के लिए, 3.5 years के लिए उन्होंने ये एसेट ऑन किया है। तो अब हम इसके पर ईयर के अंदर जो है ना, हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे और जो है हम देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं और किस तरह ये डिफरेंट है इससे। अच्छा देखिए, वैल्यू ऑफ द एसेट तो हर जगह सेम ही रहेगी, सारे सारे जितने भी ईयर्स हैं हमारे पास, तो हमारे पास है उस्मान परचेज व्हीकल प्लांट मशीनरी ऑफ वर्थ 10 million, तो हमारे पास 10 million अब 10 million की वैल्यू हमारे पास सेम रहेगी सब में। उसके बाद वो कह रहे हैं कि प्रीवियसली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अच्छा भाई ये क्या है, ये हमें नहीं पता, अभी अभी आपको पता चलेगा ये जब हम नेक्स्ट ईयर में जाएंगे, ये हमारे पास है भी नहीं क्योंकि हमने अभी एसेट लिया है। रिटर्न डाउन वैल्यू हमारे पास 10 million ही है। अच्छा, डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर की हम कैलकुलेशन कर लेंगे, years, फर्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे, 10 million इंटू हमारे पास परसेंटेज, हमारे पास कितनी दी हुई है 20% कर देंगे, तो हमारे पास 2 million की वैल्यू आ जाएगी। 2 million के हमारे पास वैल्यू आ गई, जो कि हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर है, और हमारे पास टोटल एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो गई, 2 million। ठीक है जी। अच्छा, अब प्रीवियसली एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अब यहां पर वो वैल्यू आएगी जो टोटल आपके पास यहां पर आ रहा होगा, वो बेसिकली जो भी इस ब्रैकेट में आपके पास आ रहा होगा डेटा, आप उसे उठाकर सिंपली अगले ईयर में इस ब्लॉक में डाल देंगे। अब वहां पर कितना है, 2 million, तो हमने यहां पर क्या कर दिया, 2 million। अब रिटर्न डाउन वैल्यू जो यहां पर, जिसको आप दूसरी बात क्या कह सकते हैं, आप उसे कह सकते हैं कैरिंग अमाउंट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, जो फॉर्मूला में लिखा हुआ है कैरिंग वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर बेसिकली, इसे मैं WDV, इसे WDV भी कहा जाता है, तो मैं WDV का नाम से इसे ज्यादा बुला रहा हूं। तो कैरिंग अमाउंट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर आपके पास आ जाएगी 10 million, और ये हमारे पास पहले से डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज हो चुकी है, 2 million, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 8 million। अब देखें, अब आपकी जो डेप्रिसिएशन के जो परसेंटेज दी हुई होगी, जो आपको रेट दिया हुआ होगा, वो इस वैल्यू पर चार्ज हो रहा होगा, जो आपकी टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो चुकी होगी, वो आपकी एसेट जो आपकी टोटल कॉस्ट है उससे लेस होने के बाद जो वैल्यू आ रही होगी, तो उससे हम क्या कह रहे होंगे, कैरिंग अमाउंट ऑफ द एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, यहां पर रिटन डाउन वैल्यू, और फिर हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे। जैसे ईयर वन का हमारे पास हमने 10 million पर चार्ज किया है, हम सेकेंड ईयर में क्या करेंगे, हम किस पर चार्ज करेंगे, हम चार्ज करेंगे 8 million पर।
8 million into 20% तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.6 मिलियन। तो हमारे पास आ गई 1.6 मिलियन। अब आपने क्या करना है, ये आपकी यहां से डेप्रिसिएशन आ गई जो आपकी इस ईयर की निकली वो यहां पर ले गया मैं। अब आपने क्या करना है, आपने जो प्रीवियस ईयर की टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है और इस साल का जो आपका डेप्रिसिएशन चार्ज है, इन दोनों को एड कर देना है। तो आपकी टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी जो हमारे पास क्या बन जाएगी 3.6 मिलियन। ठीक है जी। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं हमारे ईयर पे, ईयर थ्री पे। अब हमने कौन से पेपर परचेज किए, 2013, 2014, 2015 और हम एंड में आ जाएंगे 2016 पर। ठीक है जी। अच्छा, अब 2015 में क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था कि हम क्या करेंगे कि जो हमारी प्रीवियस अमाउंट है, प्रीवियस अमाउंट टोटल एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी है यहां पर इस ब्लॉक में, 3.6 मिलियन। ठीक है जी, वो हमने ले लिया। वो हम 10 मिलियन से लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.4 मिलियन। ठीक है जी। अब इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन होगा हमारे पास 6.4 मिलियन इंटू 20% और ये हमारे पास आ जाएगा 1.28 मिलियन। तो हमने क्या कर दिया, 1.28 मिलियन हमारे पास डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने 3.6 को ऐड कर देना है इस अमाउंट के अंदर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.88 मिलियन। अब हमारी क्या है, कॉस्ट तो हमारी सेम रहेगी। कॉस्ट हमारी कितनी रहेगी, कॉस्ट हमारी रहेगी 10 मिलियन और हमारे पास जो हमारी प्रीवियसली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो हम ये ले लेंगे। ठीक है जी। अब रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, हम 10 मिलियन से 4.88 लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी 5.12। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब यहां से असल गेम है, अब यहां से इसके बाद जो आपने बात समझनी है वो है प्रोपोर्शनेट बेसिस की। हमने परचेज तो बिल्कुल अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट पर किया था तो इस वजह से ही वो पूरे साल की हुई है, लेकिन अब आपको असल में समझ में आएगा कि अगर हम लेट भी परचेज करते तो किस तरह आप उसको जो है कैलकुलेट कर रहे होते, अभी हम वो समझते हैं। अभी आप अगर हम डेट देखते हैं, अगर हम डेट देखते हैं तो हमारे पास हमने कब डिस्पोज ऑफ किया, इसे हमने किया है 30th जून 2016। अब 2016 की अगर हम बात करें तो 2016 का हमने इसके सिर्फ 6 मंथ्स का जो है यूज किया है। ठीक है जी। और हमारे एक साल में महीने कितने होते हैं तो आपको पता ही होगा, तो यहां पर हम ले लेते हैं ईयर फोर की डेप्रिसिएशन। अब जब हम बात कर रहे हैं ईयर फोर की डेप्रिसिएशन की, तो ईयर फोर की जो डेप्रिसिएशन है वो कितने महीने की होगी, ये मेरा आपसे भी क्वेश्चन है, या आप खुद से भी पूछें एक बार, क्योंकि आपको फिर पता चलेगा कि आपको पहले जो एक्सप्लेनेशन दी गई है वो आपको समझ में आई है कि नहीं आई। सो बेसिकली अब हम कितने की चार्ज कर रहे होंगे, 6 मंथ की चार्ज कर रहे होंगे, क्योंकि प्रोपोर्शनेट बेसिस कहता ही यही है, जितने मंथ यूज हुआ है आप उतना टाइम की ही डेप्रिशिएट करें, आप पूरे साल की डेप्रिशिएट ना करें। अब यहां पर हमने क्या किया है कि 6 मंथ की हमारे पास तो 5.12 जो कि हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू या कैरिंग अमाउंट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20% से और हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6/12 से। ये हमारा 6/12 का जो है वो एडिशनल आया है, ये एडिशनल फिगर आया है इन तीनों सालों को अगर हम देखें तो, इन तीनों इयर्स में जो है ये कोई इस तरह का जो है पीरियड नहीं था, लेकिन क्योंकि यहां पर वो यूज ही
सिर्फ 6 months के लिए हो रहा है तो हम 6 months के लिए ही उसकी depreciation charge करेंगे। तो अगर हम उसकी depreciation charge करते हैं तो depreciation हमारे पास कितनी आ जाती है, 5.12 × 20% × 6/12 तो हमारे पास आ जाती है 0.512। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। अच्छा, अब हमारे पास हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास इन जो चारों के चार हमारे साल हैं इनमें बेसिकली हमने क्या किया है और जो है हमारी टोटल डेप्रिसिएशन कितनी, चारों इयर्स का टोटल कर लेते हैं, टोटल डेप्रिसिएशन अब हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2 + 1.6 + 1.28 + 0.512 तो हमारे पास आ जाती है टोटल 5.392 और यही हमारी टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बन जाएगी। अब आपने क्या करना होता है, जब आप डिस्पोजल पर जाते हैं तो डिस्पोजल क्या बेसिकली वही जो सेम हमने प्रोसीजर किया है वो प्रोसीजर सेम होगा। ये डिस्पोजल आ गया हमारे पास, हमने कितने का डिस्पोज किया है, हमने डिस्पोज किया है 6 million का। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी अपनी रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है। गाइस, हमारी जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो हमारी इन 4 years को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास टोटल आ जाती है 5.392 और यही हमारी टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में चली जाएगी और ये हमारा जो हमने फोर्स निकाला था ईयर का वो हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर पे निकल जाएगा। अब हम डिस्पोजल देख लेते हैं कि डिस्पोजल कैसे होगा। अब डिस्पोजल में हमारे पास जो अमाउंट आ रही होगी, डिस्पोजल में हमारे पास अमाउंट आ रही होगी 6 million। 6 million के हमारे हमें जो है कंसिडरेशन रिसीव हो रही है, कंसिडरेशन रिसीव इज इक्वल्स टू 6 million और रिटर्न डाउन वैल्यू हमारे पास कितनी है, अगर हम देख लें इसको 10 million, 10 - 5.392 million तो हमारे पास गेन कितना आ जाएगा, 10 - 5.392 4. हमारे पास गेन आ जाएगा 1.392 million का। अच्छा गाइस, यहां पर एक मिस्टेक हो गई थी मुझसे, यहां पर मैंने बेसिकली ये हमारे पास आ गई थी रिटर्न डाउन वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई थी, हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 3 - 2.25 million और इसका जब हम गेन कैलकुलेट कर रहे होंगे, मैंने मिस्टेकनली 2.5 million मैंने नहीं लिया था, मैंने एक्चुअली यहां पर आगे हमारे पास 2.5 मिलियन की हमारे पास कंसिडरेशन रिसीव्ड है, उसमें से हम लेस कर देंगे हमारी जो WDV है, WDV हमारे पास कितनी है 2.25 million तो जब हम लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.25 million का गेन। सो गाइस, यहां पर बस ये थोड़ी सी करेक्शन थी, आप कर लीजिएगा, ये 2.25 मिलियन रुपीस जो है ये WDV है, ये गेन नहीं है, वो मिस्टेक हो गई थी। अच्छा, सो गाइस यहां पर मैं आपको एक कंपैरिजन बता देता हूँ, कंपैरिजन आ जाएगा आपके सामने, कंपैरिजन किस तरह मैं आपको देना चाह रहा हूं कि जो जब आप फुल ईयर पॉलिसी यूज कर रहे हैं और वो स्ट्रेट लाइन बेसिस पर यूज कर रहे हैं तो आपकी जो डेप्रिसिएशन की जो चार्ज होगी वो हर साल की सेम होगी। अगर आप देखें पहले ईयर में भी 250, सेकंड में भी 250, थर्ड में भी 250,
लेकिन जब आप बात कर रहे होते हैं आपके रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर, जब आप जाते हैं और आप क्या कर रहे हैं, आप प्रोपोर्शनेट बेसिस ना भी यूज करें, आप प्रोपोर्शनेटेड बेसिस बेशक ना भी यूज करें, लेकिन आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज कर रहे हैं, आपका क्या होगा, हर ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज जो होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे यहां पर आप देखें डेप्रिसिएशन फॉर चार्ज में हमारे पास पहले साल 2 मिलियन है, सेकंड में 1.6 मिलियन है, थर्ड में हमारे पास 1.28 मिलियन है। सो गाइज ये डिफरेंस याद रखिएगा, ताकि अगर आपको इनकेस अगर आपको पॉलिसी नेम याद ना आ रहा हो तो एटलीस्ट आपको ये याद होना चाहिए कि यार कौन सी पॉलिसी में जो है वो सेम रहता है और किस में डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर डिफरेंट हो जाता है। सो गाइज इसके साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।